अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सलमान अहमद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज कोई ब्लॉग नहीं है, कोई सलमान शो का वो नहीं है। आज का वीडियो का आप टाइटल पढ़ के समझ चुके होंगे कि हाउ टू अर्न फ्रॉम फेसबुक। तो ये एक तरीके की गाइडिंग वीडियो है, किस तरीके से आप अर्न कर सकते हैं। यूट्यूब पर वीडियोस देखते होंगे तो आपको उसमें मतलब प्रॉपर तरीका नहीं बताते होंगे किस तरीके से क्या क्या करना पड़ता है कि उसके बाद आपकी अर्निंग शुरू होती है। फेसबुक पे अर्निंग करना एक तरीके से आसान है यूट्यूब के मुकाबले, क्योंकि यूट्यूब पे रीचिंग बहुत कम होती है, बहुत मुश्किल से रीचिंग होती है। लेकिन अगर आपकी फेसबुक पे अगर आप अपना कॉन्टेंट डालेंगे, अगर आपका कॉन्टेंट स्ट्रॉन्ग है, अगर आप लोगों तक रीच कर सकते हैं, तो फिर आप बहुत आराम से उस पर अर्निंग कर सकते हैं। और इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगा, इसमें आपको मैं पूरा स्टेप बताऊँ। अगर आपको कोई उसमें मतलब अगर आपको स्टेप समझना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और मैं इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रहा हूँ, इंस्टाग्राम का लिंक आपको शो हो रहा होगा, अगर आप उस पर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करें। हाँ जी भाई, तो ये मेरी प्रोफाइल शो हो रही है। यहाँ पे आपको अपने पेजेस मिलेंगे, जो आपके पेजेस बनाए होंगे। अगर आपने नहीं बनाया हुआ तो यहाँ पे ऑप्शन शो होता है क्रिएट अ पेज, तो आप क्रिएट अ पेज करें। और ये मैं अपने पेज पे आ रहा हूँ। हाँ भाई, तो ये मेरा पेज है सलमान अहमद। तो इसमें आप देख सकते हैं सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं, होम पोस्ट, इवेंट, वर्ड, वीडियोस, फोटोस, अबाउट, कम्युनिटी ग्रुप। तो इन सबको आपने नहीं छेड़ना, अगर आपको करना है सेटिंग सब कुछ करें, लेकिन आपने जाना है सेटिंग में। आप गए सेटिंग पे, सेटिंग में आ जाएंगे, गए सारे ऑप्शन, जर्नल, पेज इन्फो, मैसेजिंग, टेम्पलेट्स एंड टैब्स, पोस्ट एट्रीब्यूशन, नोटिफिकेशन, एडवांस मैसेजिंग, फेसबुक बैच, पेज रोल, पीपल एंड अदर पेजेस, और प्रेफर पेज ऑडियंस, ब्रांडेड कंटेंट। तो इन सब को छोड़ के आपने आना है ब्रांडेड कंटेंट पे। ब्रांडेड कंटेंट में जैसे क्लिक करेंगे अलग नई विंडो खुलेगी, तो ये आपके सारे ब्रांडेड कंटेंट के वो आ जाएंगे कि क्या तरीका है। तो सबसे पहले अगर आपको इन सब चीज़ों को छोड़ के आपने करना है अप्लाई एज अ क्रिएटर, तभी आपके ये ब्रांडेड कंटेंट शुरू होंगे। तो फिर अब आ जाएंगे इनकी, पहले इनका पेज देख लेते हैं। गेट रिवार्डेड फॉर द मैनी वेज इन विच यू बिल्ड कम्युनिटी, आवर मोनेटाइजेशन टूल प्रोवाइड यू विद द फ्लेक्सिबिलिटी टू अर्न मनी ऑन योर ओन टर्म्स इन वेज डेट मेक सेंस फॉर यू, योर कम्युनिटी एंड योर कॉन्टेंट। तो भाई अब आपने अपनी चेक करना है कि आप इनकी एलिजिबिलिटीज़ के पूरे हैं। इनकी एलिजिबिलिटीज़ हैं तो मैं आपको बताता हूँ। दिस पेज नीड्स टू हैव अ मिनिमम ऑफ 1000 फॉलोअर्स, तो 1000 फॉलोअर्स होना ज़रूरी है सबसे पहले। इंगेजमेंट इन द लास्ट 60 डेज यू नीड 15000 पोस्ट इंगेजमेंट, मतलब आपको 2 महीने के अंदर आपने 15000 लोगों को पोस्ट पे इंगेज करना, मतलब 15000 लोगों तक ये पोस्ट रीच होनी चाहिए। तो मैंने तो अभी शुरू करा तो मेरा भी इतना नहीं है। मिनट व्यूज इन द लास्ट 60 डेज यू नीड 180 मिनट्स व्यू अक्रॉस ऑल ऑफ योर वीडियोस, तो लास्ट 60 डेज के अंदर आपको 180,000 मिनट पता नहीं बहुत सारे हैं, लेकिन हो सकते हैं फेसबुक के ऊपर ईजली, इतना मुश्किल नहीं है। तो 180,000 मिनट का आपको लास्ट 60 डेज के अंदर वॉच टाइम चाहिए। 1 मिनट व्यू फॉर 3 मिनट वीडियोज इन द लास्ट 60 डेज यू नीड इट 30,000 1 मिनट व्यूज ऑन वीडियो डाटा आर एटलीस्ट 3 मिनट लॉन्ग, तो लास्ट 60 डेज के अंदर 30,001 मिनट के व्यूज चाहिए आपकी वीडियोज़ पर, जो कम से कम 3 मिनट लॉन्ग हो। तो मतलब ये वो हैं इनकी टर्म्स एंड कंडीशन, जो कि कर सकते हैं आप लोग पूरा, जो अगर जिसका कंटेंट स्ट्रॉन्ग है। तो ये अर्न मनी जब आप ये कर लेंगे, तो फिर ये आपके ऑप्शंस आएंगे, फैन सब्सक्रिप्शन, ब्रांड कोलैबोरेशन इन स्ट्रीम एड। तो मतलब आप इसके ऊपर अगर आप करेंगे तो आसानी से हो सकता है, आप अप्लाई करेगा तो ये सब कुछ खुल जाएगा।
तो मतलब ये तरीका है, अगर आपके हो जाते हैं तो बहुत आसान है आपके लिए, और फेसबुक आपको यूट्यूब से कहीं ज़्यादा देगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा, अगर आप लोगों को समझ नहीं आया, कोई प्रॉब्लम है किसी स्टेप में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और यूट्यूब से बेहतर है फेसबुक मेरे हिसाब से, यूट्यूब पे भी आप करें, यूट्यूब ज़रूरी है, लेकिन आप अगर फेसबुक पे करेंगे तो फेसबुक पे थोड़ा आसान है और फेसबुक आपको ज़्यादा देगा यूट्यूब से, क्योंकि यूट्यूब पे जितनी मेहनत करते हैं उस हिसाब से मिलता नहीं है आपको अर्निंग, लेकिन फेसबुक पे आपको थोड़ी ईजिली अर्निंग मिलने लगेगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।